अभी कुछ वीक्स पहले मैंने आपको गूगल के फ्री गिफ्ट करे थे आज मैं आपको एप्पल के फ्री गिफ्ट करने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा वेल, वीडियो शुरू होने से पहले एक बात बोलूं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हो बिकॉज आज जो मैं आपको चीजें बताऊंगा राकेश झुंझुनवाला जी के बारे में वो आपको भी ना प्रेरित करेंगी एंड इनफैक्ट राकेश झुंझुनवाला जी इंडिया में बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है डेफिनेटली मेरी भी इंस्पिरेशन है क्यों है ये मैं आपको बताने वाला हूँ एंड आपको राकेश झुंझुनवाला जी से क्या सीखना चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो के अंदर हम राकेश झुंझुनवाला जी के बारे में समझेंगे कि कैसे उन्होंने बेस लेवल से शुरुआत करी एंड ही बिकम अ बिलियन आज वो बाईस हजार करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ रखते हैं अब बोलने में बड़ा आसान लगता है यार बाईस हजार करोड़ बट जब उस लेवल पर पहुंचने की बात होती है ना तो किसी को रोड में आप नहीं पता होता बट आज आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगी और डायरेक्शन भी मिलेगी कि आप भी जीरो से शुरुआत करते हुए किस तरीके से इतने बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं क्योंकि देखिए हमारे सामने अगर कुछ एग्जांपल्स होते हैं ना तो एक रोड मैप क्लियर हो जाता है कि भाई सामने वाले ने किस तरीके से अपनी जिंदगी में अचीवमेंट्स करी हैं एंड अगर हम भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो ये नहीं कहते भाई हर आदमी बाईस करोड़ पर पहुंच जाएगा बट डेफिनेटली अपने लेवल से बहुत ऊपर उठ जाएगा एंड हम राकेश झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो के बारे में भी हम जानने वाले हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं तो कहां करी हुई हैं इनफैक्ट उनके जीवन की जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट डील्स थी उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा तो राकेश झुंझुनवाला जी की जो बिगनिंग हैं बड़ी हम्बल बिगनिंग्स थी पांच जुलाई नाइनटीन को उनका जन्म होता है एक मारवाड़ी परिवार में उनके फादर इनकम टैक्स ऑफिसर थे मैंने आपको हमेशा से बताया कि जो बच्चा होता है ना वो अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखता है वो बात क्या कर रहे हैं उनके कलीग से उनकी क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है बच्चे के दिमाग में ना सब कुछ चल रहा होता है सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा होता है तो जब राकेश जी चौदह साल के थे उन्होंने ना अपने फादर को बहुत ज़्यादा बातें करते हुए सुना शेयर मार्केट के ऊपर देखो उस टाइम पे ना किसी भी बच्चे को थोड़ी अकल आनी शुरू हो जाती है वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तो वैसे ही शेयर मार्केट पे काफ़ी नज़र रहती है यू हैज ऑलरेडी नो अबाउट इट तो वो भी अपने घर में बात करते होंगे बातचीत करते होंगे तो राकेश झुंझुनवाला जी ने अपने फादर से पूछा कि मैं शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहता हूं सीखना चाहता हूं तो उनके फादर ने उन्हें बोला उस टाइम पे देखो यूट्यूब तो होता नहीं था ना गूगल होता था तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर में ना रोज न्यूज आता है आपके घरों में भी आता होगा इकोनॉमिक टाइम आता होगा तो आप अगर खुद उस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे उनके फादर ने बोला तो आपको काफी सारी कंपनीज के बारे में पता लगेगा तो राकेश झुंझुनवाला जी ने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया उन्होंने उनका फोकस कहा था शेयर मार्केट के ऊपर तो शेयर मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कंपनीज के बारे में स्टडी करना शुरू किया और बीच में भी उनको कई बार ऐसा लगा अच्छा आप मुझे काफ़ी कुछ पता लग गया मैं इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता हूं मैं पैसा कमाना शुरू कर देता हूं उन्होंने अपने फादर को बोला बट हर बार लगातार उनके फादर ने मना किया उन्होंने बोला नहीं अभी ठीक टाइम नहीं है शेयर मार्केट में तुम जाके इन्वेस्टमेंट करो या पैसा कमाना शुरू करो अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तो, इंडिया में बोलते हैं ना हमारे माँ बाप भी बोलते हैं अभी पैसे की बात मत करो पहले अपनी पढ़ाई पर फोकस करो तो देखो जी राकेश झला जी भी इंडियन ही है उनके फादर भी इंडियन थे तो मानसिकता काफ़ी सिमिलर है तो उनके फादर ने बोला अपनी पढ़ाई पूरी कर लो पहले अब राकेश झुंझुनवाला जी ने सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी उसके बाद वो चार्टेड अकाउंटेंट भी बने सी भी बने पच्चीस साल की उम्र तक उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया अब जब वो एक चार्टेड अकाउंटेंट बन गए थे अब उनके फादर ने बोला कि ठीक है अगर आप अब शेयर मार्केट में कदम रखना चाहते हो सो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट बट आई विल नॉट गिव यू मच मनी मैं बहुत सारे पैसे नहीं दूंगा तुम्हें तो राकेश झुंझुनवाला जी ने ऐसा आप इंटरनेट पे भी हर जगह पढ़ सकते हैं कि सिर्फ पाँच हज़ार रुपये से शेयर मार्केट में कदम रखा था पहले मुझे लगता है कि ये इंस्पायर करने के लिए अच्छा है बट डेफिनेटली और भी इन्वेस्टमेंट लगी होगी ठीक है पाँच हज़ार रुपये पहले इन्वेस्टमेंट हो सकती है बट बाद में और भी इन्वेस्टमेंट लगी होगी क्योंकि जब उन्होंने कदम रखा था वो सन था नाइनटीन और जो उनकी लाइफ का स्टार्टिंग का एक कह सकते हैं ना किक स्टार्ट प्रॉफिट था वो नाइनटीन में उन्हें मिला था कैसे मिला था मैं आपको बताता हूँ देखो यहां पे उन्होंने क्या किया उन्होंने कंपनीज की एनालिसिस तो काफी टाइम से कर रहे थे चौदह साल की उम्र से बात करें और हम बात कर रहे हैं जब वो एंटर शेयर मार्केट में तो वो पच्चीस साल के थे तो ग्यारह साल तक उन्होंने शेयर मार्केट को स्टडी किया एक सवाल मेरा आपसे है हम सब पैसा कमाना चाहते हैं बहुत पैसा कमाना चाहते हैं मैंने आपको बताया यहां कि उन्होंने 25 फाइव की एज में एंट्री करी और 14 साल की उम्र से उन्होंने सीखना शुरू किया 11 साल उन्होंने अध्ययन किया शेयर मार्केट का आप लोगों ने कितना टाइम लगाया अगर आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं तो आपका कितना टाइम लग रहा है क्योंकि यहां पे रोज आपको नई चीजों के बारे में पता लगता है यू लर्न एवरीडे और जिस दिन सीखना बंद उस दिन कमाना बंद ये समझ लेना तो यहां पे उन्होंने 11 साल लगाए तो आपको भी यहां से फर्स्ट इंस्पिरेशन जरूर लेनी चाहिए कि आपको भी टाइम लगाना है अब टाइम लगाने के बाद उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझा और उन्होंने टाटा टी के शेयर खरीदे कितने खरीदे मैं आपको बताऊंगा टाटा टी उस टाइम पे उन्होंने जो स्टडी किया उन्होंने देखा कि टाटा टी का जो उस टाइम पे शेयर प्राइस है वो 43 रुपीस का था और उन्हें लगा कि ये जो प्राइस है ना ये इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है इसे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं शॉर्ट में कि जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो वैल्यू उस प्राइस से ज्यादा है और प्राइस कम चल रहा है तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट कीजिए उन्होंने देखा कि इसका प्राइस काफ़ी जल्दी बढ़ सकता है तो उन्होंने पाँच हज़ार शेयर्स खरीदे अब मैं आपको क्यों बोल रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि भैया पाँच हज़ार से इन्वेस्टमेंट नहीं हुई होगी क्योंकि यहीं पे दो लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट हो गई तो यहां पर अगर आप देखेंगे फोर्टी थ्री इंटू फाइव थाउजेंड उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी और सिर्फ तीन महीने के अंदर क्योंकि उनका जो एनालिसिस था काफ़ी एक्यूरेट था उस टाइम पे टाटा डी का प्राइस वन फोर्टी थ्री रुपीज़ हो गया सिर्फ तीन महीने के अंदर उन्होंने तीन महीने में कितना पैसा कमाया आप खुद देख सकते हो पांच लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो पांच लाख रुपए का प्रॉफिट जो उनकी शुरुआत में उन्हें हो गया हम पांच लाख को आज भी काफी अच्छा अमाउंट समझते हैं ठीक है अच्छा ही होता है पांच लाख का अमाउंट तो आप सोचिए उस टाइम पर अगर किसी को पांच लाख का प्रॉफिट हुआ होगा तो उसको कितना बड़ा मोटिवेशन मिला होगा तो उन्होंने ये लाख के प्रॉफिट पर रुके नहीं पांच से दस हुआ दस से पंद्रह हुआ लाखों का प्रॉफिट कुछ में करोड़ों में आ गया एक उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी डील के ऊपर सब चर्चा करते हैं जब उन्होंने सन 2002 से लेकर 2003 के अंदर टाइटन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी थी। आपको पता उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे थे टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर्स खरीदे थे अब आप, आप कहेंगे छ करोड़ शेयर्स सर कितने रुपए का शेयर था अप्रोक्सीमेटली एवरेज वैल्यू थी तीन रुपए तो आप कहेंगे सर 18 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है डेफिनेटली बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है बट अभी गूगल कर लो जरा कि टाइटन का शेयर प्राइस आज की डेट में क्या चल रहा है आप देखोगे तेईस सौ रुपए के, के आसपास का प्राइस है अच्छा जी तीन रुपये से तेईस सौ करोड़ इन टू अगर आप छह करोड़ शेयर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये तेरह हजार आठ सौ करोड़ रुपए हो गया अट्ठारह करोड़ अभी 20 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं न सी इट बिकेम थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड करोड़ ना वट इज दिस दिस इज वैल्यू इनवेस्टिंग आज की रेट में इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों के पास अट्ठारह करोड़ रुपए होंगे बट बहुत कम लोग होंगे जिनके पास तेरह हजार आठ सौ करोड़ होंगे आज राकेश झुंझुनवाला की इंडिया के अंदर अगर आप रैंकिंग की बात करें फोर्टी एट नंबर पर आते हैं रिचेस्ट पर्सन में तो इंडिया के अंदर टॉप फिफ्टी के अंदर राकेश झुंझुनवाला जी आते हैं अब ये क्यों हुआ आपके सामने है यार दिस इज हाउ यू बिकम अ रियल बिल्डन आप इन्वेस्टमेंट करके कहां पर पहुंच सकते हो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अब वॉरन बोला जाता है इन्हें इंडिया का जब हम बफे की बात करते हैं डेफिनेटली मैं आपको राकेश झुंझुनवाले जी के पोर्टफोलियो के बारे में बताऊंगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स कहां पर है आप सब जानना चाहते हैं बट जब हम वॉरन बफे की बात कर रहे हैं तो वॉरन बफे क्यों बोला जाता है भाई वॉरन बफे इसलिए बोला जाता है कि वॉरन बफे अभी अगर हम लिविंग लोगों की बात करें तो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहे हैं ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आते हैं राकेश झुंझुनवाला जी इंडिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आते हैं वॉरन बफे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आते हैं ऐसा क्यों अगेन द आंसर इज वैल्यू इन्वेस्टिंग उस टाइम पे शेयर्स को खरीदो जिस टाइम पे वो अपनी वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहा है एंड अगर आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझा सीखा देखो आप ना बहुत सारे शेयर्स नहीं ढूंढ पाओगे बोलते हैं कि मैं पूरे साल में अगर वॉरन बफे और उनके जो बिजनेस पार्टनर है चार्ली मंगर अगर आपने सुना उनके बारे में तो ये बोलते हैं कि अगर हम साल में दो से तीन कंपनी ऐसी ढूंढ लेते हैं ना जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग तो हमें लगता है हमने बहुत काम कर लिया हमने बहुत अच्छा यहां पे डिसीजन ले लिया कि हमने दो से तीन कंपनी को आइडेंटिफाई कर लिया तो ये बीस तीस पचास कंपनी के पीछे नहीं पड़ते वॉरन बफे की अप्रोच थोड़ी सी अलग है सो यू ऑलरेडी नो कि वॉरेन बफे ने जैसे यहाँ पे आपको टाइटन का एग्जाम्पल लिया तो वॉरेन बफे ने एप्पल कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी इससे पहले ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे बट इनकी एनालिसिस के बाद व्हेन ही सॉ कि एप्पल का प्राइस बहुत जल्दी ऊपर जा सकता है सो so, इन्होंने अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट एप्पल में करी अब आप एप्पल की बात करोगे आप सोचोगे यार हम एप्पल के शेयर्स कैसे खरीद सकते हैं देखो हम डेफिनेटली एप्पल का फोन यूज करते हैं हम यूएस कंपनीज से ना घिरे हुए हैं हमारे आसपास बहुत सारी यूएस कंपनीज हैं तो अगर अब हमें यूएस कंपनीज में भी लगता है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो उसके लिए आपके पास एक यूएस स्टॉक अकाउंट होना चाहिए

एप्पल के शेयर्स फ्री भी मिलेंगे वो आपको रिवॉर्ड सेक्शन पे जाकर दिख जाएगा सो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एंडी मनी का मैंने लिंक डाल दिया सो दैट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट बिकॉज देखो बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर अभी टेस्ला आ रही है लोगों को लगता है टेस्ला आगे बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा एमेजो से हम लोग ऑर्डर करते हैं स्टार की हम कॉफ़ी पीते हैं गूगल पर हम सब कुछ सर्च करते हैं तो देर आर मल्टीपल अमेरिकन कंपनीज जो हमारे आस पास है एंड उनकी ग्रोथ स्टोरी पर अगर आपको बिलीव है तो यू शुड इन्वेस्ट अपना थोड़ा सा आप डेफिनेटली अपना एलोकेशन वहां पर भी कर सकते हैं अगर आप डिस्क्रिप्शन लिंक से आई एनडी मनी पर जाके साइन अप करते हैं तो आपको मिलेंगे एप्पल के फ्री शेयर आपके रिवॉर्ड सेक्शन में आई एनडी मनी ऐप पर आप प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से भी जाके आई एन मनी को डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए आपको पी आर टी एप्पल प्रोमो कोड यूज करना पड़ेगा जिससे आपको एप्पल के फ्री शेयर मिलेंगे इसके साथ साथ मैं आपको बेस्ट पार्ट भी बताना चाहूंगा आई एन मनी का जब आप आई एन मनी पर साइन अप करते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार बक्स की कॉफी खरीदी तो आपको आई एंड मनी पर स्टार बक्स के फ्री शेयर्स मिल जाते हैं आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको नेटफ्लिक्स के शेयर मिल जाते हैं आपने एप्पल के कोई स्टोर से परचेस किया तो आपको एप्पल के फीशियर्स मिल जाते हैं एमेजोन पर जाके आपने शॉपिंग करी तो एमेजॉन के फीशियर्स मिल जाते हैं तो ये यहां पे बेस्ट फीचर है आई मनी का अब हम फाइनली बात कर रहे थे कि ठीक है वॉरन बर्फे बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर है राकेश झुंझणवाला जी अगर इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर है तो उनका पोर्टफोलियो क्या है कैसा दिखता है आई विल जस्ट शो यू इस पोर्टफोलियो नाउ

अपना नाम के आगे के दो अक्षर लेके और अपनी वाइफ के आगे के दो अक्षर लेके तो राकेश का आर रे ए और रेखा का आर ई तो उससे बन जाता है रेयर रेयर एंटरप्राइजेस के नाम से भी राकेश झुंझुनवाला जी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट कौन कौन से सेक्टर्स में है। मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा तो अभी मैं आपको दिखाता हूं यहां पर आप देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग रियल स्टेट के अंदर 10 परसेंट फार्मास्यूटिकल के अंदर 8 परसेंट अभी कंपनीज के नाम भी मैं आपको बताऊंगा फाइनेंस के अंदर 5 परसेंट कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग सिविल के अंदर 5 परसेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर फाइव परसेंट और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसमें थ्री परसेंट होटल्स के अंदर थ्री परसेंट सॉफ्टवेयर के अंदर थ्री परसेंट तो इस तरीके से इनका जो पूरा का पूरा यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो इनका पोर्टफोलियो है कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड है यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट हर लीडिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है चाहे वो स्टील हो चाहे ऑटो ट्रैक्टर्स हो यहाँ पे तो यू कैन सी रिटेल के अंदर इन्वेस्टमेंट है सीमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट है बट मैक्सिमम इनकी इन्वेस्टमेंट जो है इस वक्त वो रियल स्टेट के अंदर है सो तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इनकी कंपनीज़ के नाम सो लेट मी जस्ट शो यू द नेम ऑफ़ द कंपनीज़ ऑल्सो सो यहाँ पर हम होल्डिंग्स पर आ जाते हैं सो so, आपको एक्जैक्टली exactly कंपनीज़ के नाम दिख जाएंगे ओके तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनीज़ के नाम सो so, यहाँ पर आप देखिए आपटेक लिमिटेड के अंदर जो इनकी होल्डिंग है 23.72 परसेंट की है एन सी लिमिटेड के अंदर 2.84 परसेंट नज़ारा टेक्नोलॉजीज के अंदर टेन परसेंट इसी तरीके से रैलीज इंडिया लिमिटेड के अंदर 9.81 पॉइंट परसेंट बिल केयर लिमिटेड के अंदर 8.48 परसेंट सो so, आपने बहुत सारी कंपनीज के बारे में हो सकता है ना भी सुनाओ बट देखिए इन्वेस्टमेंट कैसे हो रही है कंपनीज को सर्च करना देखना कि किस टाइम पर उन पर इन्वेस्टमेंट की जाए किस टाइम पर उनका जो प्राइज़ है वो वैल्यू उनकी ज्यादा है और प्राइस कम है तो जब आपको ऐसा लगता है ना प्राइस बहुत ज्यादा है तो आप लेट हो चुके हो जब प्राइस बहुत कम है और तब आप इन्वेस्टमेंट करते हो दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग तो इनमें से बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको लगेगा कि यार इसमें शायद शायद हम इन्वेस्टमेंट तब कर लेते हैं बट जैसे मैंने आपको टाइटन का एग्जाम्पल दिया टाइटन कंपनी लिमिटेड के अंदर तो इनका फोर का स्टेक है यहाँ पे यहां पे आप क्वांटिटी देख सकते हो कि जो आज की डेट में इनके पास क्वांटिटी है वो है फोर करोड़ थर्टी थ्री लाख शेयर्स हैं इनके पास आज की डेट में टाइटन कंपनी के तो जो भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कुछ टाइम में आ, अपने शेयर्स को बढ़ाते और कम करते रहते हैं वो भी आपको कैसे पता लगेगा यू कैन सी एवरीथिंग आज की डेट में इंटरनेट पर आपको सारा का सारा डेटा अवेलेबल है तो अगर आप ओवरव्यू पर भी जाओगे तो उनकी फ्रेश एंट्रीज पोर्टफोलियो के अंदर और एग्जिट्स पता लगेंगी जैसे कैनरा बैंक के अंदर उनकी होल्डिंग 1.6 परसेंट की और यहाँ पे उन्होंने क्वांटिटी और बढ़ाई है अपनी तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो शेयर्स हैं वो टू करोड़ नाइन्टी लाख शेयर्स हैं आज की डेट में सिमिलरली इंडिया बुल्स रियल स्टेट के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट उन्होंने बढ़ाई है तो यहाँ पे पचास लाख शेयर्स हैं उनके पास एंड जहां पे कम करिए जैसे एमसीएक्स के यहाँ पे शेयर्स उन्होंने कम करे हैं तो यहाँ पे उनकी जो होल्डिंग है वन परसेंट से कम है यहाँ पे बल्क डील्स के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको बल्क डील्स के बारे में पता लगेगा अब देखो यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट आपको दिख रहा होगा जस्ट गिव मी अ माइल इसे नीचे करना पड़ेगा ओके So, जैसे मैंने बताया कि होल्डर नेम यहांज के नाम से करते हैं। यहां पे जुन जुन वाले जी के नाम से इन्वेस्टमेंट है अलग अलग कंपनी के बारे में आपको पता लगेगा तो एंटरटेनमेंट इंटरप्राइज लिमिटेड के अंदर रेयरप्राइज जो होल्डर है उन्होंने क्या किया अभी बल्क डील हुई है यहाँ पे पचास लाख क्वान्टिटी खरीदी गई है 220 के प्राइस से सो तो ये 110 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई सिमिलरली बाई सेलिंग आज की डेट में चलती रहती है यहाँ पर देखिए कमाल की चीज जब टाटा मोटर्स का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ उस टाइम पे आप देखोगे इक्कीस मई दो के अंदर पहले यहाँ पे रेयर एंटरप्राइजेस ने 25 लाख शेयर्स बेचे हैं टाटा मोटर्स के और फिर उनकी वाइफ के नाम से उन्होंने खरीदे यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक करोड़ शेयर पच्चीस लाख बेचे और एक करोड़ खरीद लिए ऑलमोस्ट सेम प्राइस वैल्यू पे तो ये इस तरीके की बल्क डील्स चलती रहती हैं जिसके बारे में आपको नेट पे पता लग जाएगा इनफैक्ट अभी कुछ लोग कहेंगे कि हमने होल्डिंग्स ढंग से देखी नहीं तो मैं यहाँ आप पे आपको होल्डिंग्स दिखा देता हूँ सो आर सो मेनी कंपनीज सो स्टार्टिंग फ्रॉम एपटेक आपको यहाँ पे मैं मेजरली दिखा रहा हूँ क्योंकि होल्डिंग का परसेंटेज इंपॉर्टेंट है 23 परसेंट जैसे एपटेक में एनसीसी लिमिटेड में 12 परसेंट है नज़ारा टेक्नोलॉजीज में 10 परसेंट है रैलीज इंडिया लिमिटेड में 9.81 परसेंट है बिलकेय लिमिटेड में 8.46 पॉइंट uh, फोर है सिमिलरली यू कैन सी अलॉट ऑफ नेम्स आर हेयर सो मैं पढ़ने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बट अगर आप uh, देखना चाहें तो इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट यू विल गेट टू नो द नेम ऑफ ऑल द शेयर जिसमें की इन्वेस्टमेंट है मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ जैसे कि यहां पे डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इनकी होल्डिंग जो है 7.50 पॉइंट फाइव जीरो परसेंट की टेल फोटेस अगर आप यहां पे देखेंगे फोर्टेस हेल्थ केयर लिमिटेड के अंदर 4.23 की है नंबर ऑफ शेयर्स आपको से दिख रहा है यहां पे एंड यू कैन सी एवरीथिंग इंडियन होटल्स के अंदर जैसे मैंने बोला होटल्स के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट है यू कैन सी अलॉट ऑफ शेयर एंड फ्रॉम फोर्टेस टू टाटा सो so मेजर आपको जो जानना जरूरी है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि कैनरा बैंक से लेके मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया तक इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं सारी परसेंटेजेस है आपके सामने अब ये सब देख के आपको क्या मिलेगा क्या अगर आपने यहाँ आप पे इनका पोर्टफोलियो देखा तो इन्हीं कंपनीज में आप भी एक्जैक्टली exactly इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने जब उन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करी होगी तो शेयर प्राइस आज के मुकाबले में काफ़ी कम रहा होगा एंड आज बढ़ गया होगा

एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है किस तरीके से करनी है कौन से फंडामेंटल्स देखने चाहिए किस तरीके से आप राइट एनालिसिस कर सकते हैं फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग फाइनली आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा वैल्यूबल लगा होगा फाइनली अगर आपको अपना आई मनी के ऊपर यू ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आई मनी पे अपना अकाउंट बना सकते हैं एज ए ट्रोली आपको एप्पल के फ्री शेयर मिलेंगे फाइनली वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वैल्यूबल इंफॉर्मेशन पहुंचे फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए यूट्यूब पर देखना सब्सक्राइब कीजिए आइकन पर क्लिक कीजिए आई वुल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड